मैदानी इलाकों में धुंध, ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर है। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार हैं। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फाहद अमीन से। जी फाहद जी, बिल्कुल, मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है जिसकी वजह से ट्रेनों का पहले से ही मुतासर शेड्यूल अब मजीद मुतासर हो गया है और ट्रेनें कराची और कोयटा से जो लाहौर आ रही हैं वो घंटों ताखीर का शिकार है। आज कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 7 घंटे 50 मिनट की गैर मामूली ताखीर का शिकार है। इसी तरह खैबर मेल एक्सप्रेस 5 घंटे 50 मिनट, कराकरम एक्सप्रेस 4 घंटे 35 मिनट, जाफर एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट और पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे की ताखीर से आ रही है। इसी तरह इलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 55 मिनट, तेजगाम एक्सप्रेस 3 घंटे 50 मिनट और रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट लेट है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट, कराची एक्सप्रेस 3 घंटे, फ्रीज एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट और अवाम एक्सप्रेस 2 घंटे की ताखीर से आ रही है, जबकि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस आज 1 घंटा 45 मिनट लेट है। धुंध के बायस जो ट्रेनें यहाँ पर पहुंच रही हैं उसके बाद लाहौर से भी जो है वो कराची के लिए ट्रेनें ताखीर से रवाना होंगी। कराकरम एक्सप्रेस लाहौर से कराची के लिए आज दोपहर 3 बजे की बजाय 4 बजे जो है वो लाहौर से रवाना होगी। इसी तरह पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर से कराची के लिए दोपहर 4 बजे की बजाय 5:30 पर जो है वो रवाना होंगी। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी जी ठीक है फाहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका।